दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिजिटल मार्केटिंग के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में शेयर करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब है किसी भी उत्पाद या सेवा को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रमोट करना। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट और ट्विटर शामिल है। जब ब्रांड्स इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने उत्पादों को प्रमोट करते हैं तो इसे सोशल मीडिया मार्केटिंग कहते हैं। सर्च इंजन अनुकूलन का मतलब है अपने सामग्री को इस तरह से अनुकूलित करना ताकि वह सर्च रिजल्ट्स में ऊंची रैंक पर आए। उदाहरण के लिए, अगर आपका ब्लॉग गूगल पर पहले पेज पर आता है तो इसे सर्च इंजन अनुकूलन कहते हैं। इसके लिए कीवर्ड सामग्री की सही अनुकूलन जरूरी है। ईमेल मार्केटिंग का मतलब है किसी उत्पाद या सेवा की मार्केटिंग ईमेल के माध्यम से कर। आपने देखा होगा कि ब्रांड्स प्रमोशनल ईमेल भेजते हैं जिनमें उनके ऑफर्स होते हैं। फेसबुक विज्ञापन में आप फेसबुक को पैसे देते हैं ताकि आपका विज्ञापन या वीडियो ज़ायलों को तक पहुंचे। यह पेड मार्केटिंग होती है और इसके लिए फेसबुक विज्ञापन प्रबंधक का उपयोग होता है। सामग्री मार्केटिंग का मतलब है आपकी सामग्री के माध्यम से मार्केटिंग करना। इसमें ब्लॉग पोस्ट, इन्फोग्राफिक्स और सोशल मीडिया पोस्ट शामिल है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी उत्पाद को प्रमोट करते हैं और अगर कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। ये एक प्रभावशाली मार्केटिंग तरीका है। ई कॉमर्स मार्केटिंग का मतलब है अपने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट पर प्रमोट करना। इसमें सर्च इंजन अनुकूलन, विज्ञापन और अन्य रणनीतियों का उपयोग होता है। लीड जनरेशन का मतलब है संभावित ग्राहकों को ढूंढना जो आपके उत्पाद को खरीद सकते हैं। इसमें सोशल मीडिया, सर्च इंजन और ईमेल मार्केटिंग शामिल होती है। कॉपीराइटिंग में आपकी मार्केटिंग सामग्री को इस तरह से लिखा जाता है कि वह आकर्षक हो और ग्राहकों को खरीदारी के लिए प्रेरित करे। इसमें विज्ञापन, लैंडिंग पेज और प्रमोशनल सामग्री शामिल होती है। सर्च इंजन मार्केटिंग का मतलब है गूगल को पैसे देना ताकि आपका विज्ञापन सर्च रिजल्ट्स के टॉप पर दिखाई दे। यह एक प्रभावशाली तरीका है जिससे आप जल्दी ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में सेलिब्रिटीज या सोशल मीडिया प्रभावशाली व्यक्ति आपके उत्पाद को प्रमोट करते हैं। ये एक प्रभावशाली तरीका है जिससे आप अपने उत्पाद को व्यापक दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे और वीडियो नियमित रूप से अपलोड करते रहते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।